बहुत बधाई, एग्जाम पास करे चार, है ना। ये कहते हैं कि ईश्वर के लिए आपके देता है न तोल के देता है, आपके देता है न तोल के देता है, ईश्वर ही मेहनत करने वालों को दिल खोल के देता है। तब इसीलिए हमको क्या है, लगातार मेहनत करनी है। हर बार आप कोई से भी, आप सर ने बताया, नवीन सर ने बताया, खुशबू ने बताया, किसी भी बच्चे से पूछ लो, हर बच्चे का एक से भी निकले है ना सच में, उन सबके पीछे एक दो चीज सबके साथ कॉमन है, और वो है डेडिकेशन और डिसिप्लिन। आप रेगुलर जो काम करोगे ना, उसमें रिजल्ट आना ही आना है। मैंने पहले भी एक बार उदाहरण से आपको कहा कि आप भले कितने भी कमजोर हो, पहले बैकग्राउंड कुछ भी कहा, जैसे अपने दीवार पैर भी लगाते हैं ना, एक बार पैर लगाते हैं हल्का सा निशान बनेगा, तो दिखे भी नहीं किसी, उसी पे आप रोज रोज टच करते हैं। कहीं किसी दीवार पे अपन से कोई किनारा हो तो कोना होता है, हाथ लगा के वीडियो पर हाथ लगा के, और पहले दिन कुछ नहीं, पहले दिन कुछ नहीं, साल दो साल बाद वो रंग लग जाता है। इसका मतलब क्या है, लगातार जो किया हुआ प्रयास होता है ना, जो रेगुलर काम होता है उसका रिजल्ट, हमने उसको एक सेकंड के लिए भी किया, हर चीज का हर सेकंड काम का प्रभाव। रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट। कछुए और खरगोश वाली छोटी कहानी लगती है बचपन की, तो याद कर लिया छठी क्लास में लिख के, आप रेगुलर काम करोगे तो उसका रिजल्ट। और डेडिकेशन, सारे बच्चे जो भी टॉप निकले सब ऐसे बच्चे, और हमारे पास बच्चे जो डॉक्टर बने वो दिवाली का पता नहीं कि बाहर पटाखे चल रहे हैं, वो अपने अंदर याद कर रहे हैं, पता नहीं चलता बाहर क्या त्यौहार। साल दो साल अपना जो अभी टारगेट है ये समय है पढ़ने का, उसमें आपको लगातार ऐसी, और फिर हमको, आप जैसे तभी तैयारी कर रहे हैं, आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, उससे रिलेटेड फिर जो भी एग्जाम होंगे ना वो सारे निकल जाएंगे, पर चीज़ तैयार हो गई, मटेरियल तैयार हो गया हमारे पास। आपके पास आटा आ गया तो आटे से आप रोटी बना लो, हलवा बना लो, सारा उससे आटा होना चाहिए आपको। ऐसे आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको आप पटवारी के एग्जाम में काम लो, चाहे आप काम लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड। इसलिए सब बातों का एक ही कंक्लूजन, आप जहां आ गए वहां आपने विश्वास करके निकले। कई तो ऐसे भी है जो ढूंढ ही रहे, क्या घर से नहीं निकलते, कहते हैं ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन, तो मिल ही जाएगी एक दिन, गुमराह है तो वो है जो घर से निकले। तो अभी तो भाई घर से नहीं निकले, भटकना किसको बोलते हैं, रास्ते में आके भटक गया वो भटकना वाला, जो घर से निकला ही नहीं, जो मंजिल के लिए निकला, जो कोचिंग नहीं ढूंढ रहा, जिसने कोशिश ही नहीं की आने की, या क्लास में बैठा ही नहीं, भटका हुआ है। आपने शुरुआत कर दी, इसका मतलब आपको मंजिल एक दिन मिल ही जाएगी। और 2000 मैं तो 2004 से मैं सर के साथ हूँ, अब तो जो पहले पढ़ गए ना उनकी पीढ़ी आने लगी, तो कह रही ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसी की खड़ी हो सकती है, लेकिन नहीं, हमारे छोटे भाई बहन तो कईयों के पड़ गए, मेरे देख 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 पड़ गए छोटे भाई बहन, तो इन दो पांच सालों में पड़ गए, बड़ा भाई भी आया, फिर छोटा भी आ गया, फिर छोटा भी आ गया, और भाई बहन आ गया, अब तो जो पहले पड़े थे बेटे भी पड़े, इतना पुराना काम, और टीम वही है करीब करीब, है ना। और सर जैसे इतने अनुभवी इतने ज्ञानी लोग है ना, ये केवल इसलिए आ रहे हैं कि इस कोचिंग में सर को आ रहे हैं, शायद खुशी मिलती होगी सर को, न कोई पैसे की जरूरत है, न कोई और लाग लपेट की जरूरत है, भगवान जो खूब सब कुछ सब है, लेकिन सर कहते हैं कि केवल साहब आपको आना है बस, खाली कुछ देना है, तो इतने सर भी हाँ, तो वो आते ही आते हैं हमारी टीम में, कहीं कोई दिन वापस सौभाग्य मिला, मैं बहुत दिनों में थोड़ा सा हाँ चौथी पीढ़ी उतार, वही तो खैर हमारा सौभाग्य कि इतने अनुभवी। और देखो एक आदमी कई बार वैसा भी होता है, उम्र के साथ जो है ना वो पढ़ाने में खत्म कर देते हैं, या उनकी नॉलेज ऐसी होती है, सर ने हमेशा खुद को अपडेट रखा है। आज भी आप देखोगे तो हम कई बार ताजुब करते हैं, यार मेरे थोड़ा दर्द रहता है, वो पता सीढ़ियाँ सर की हिम्मत देख के मुझे हिम्मत आती है, यार ये लोग अभी तक चढ़ते अपन तो अभी ठीक है ना। तो आप लोगों का एक, और मैंने हर बार कहा है, आप लोग तो सर को देख के हिम्मत कर लिया करो, यार हम तो इस उम्र में जवान हैं, तो 20-22 साल के ज़्यादातर आप साल के होंगे, इस उम्र में अगर इस जवानी मेहनत नहीं कर सकते ना, तो फिर इस उम्र में हम पढ़ा तो क्या ही सकते हैं, 60 साल के रिटायर होंगे आदमी, तो क्या ही पढ़ा लेंगे हम 60 साल का, इस उम्र हम अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते, तो आप 60 साल जो रिटायरमेंट की ये सोच लिया करो, यार हमने इस समय मेहनत नहीं करी तो कभी कर पाएंगे कहीं से। आप दो चार बातों पर फोकस करो, आप सही जगह आ गए, इतना आप रात दिन विश्वास कहीं कुछ बड़े। इसके अलावा सिंसियरिटी और रेगुलरिटी दो, क्या ना आपको रोज थोड़ा थोड़ा याद हो, बोले आप दो घंटे आप पढ़ते जाओ,
आपको रोज 5 यार होना चाहिए सारे हार्मोन और याद करेगा मुझे इसको का अपना टाइम और रेगुलर काम। आप जब भी कभी आते हो ना आप किसी दीवार के पीछे गेट के पीछे पड़ गया हूँ रोज इस दीवार को लगातार काम जब करते हो तो में गड्ढे पड़ सकते हमारा दिमाग पत्थर से हमारा तक कोशिश बहुत जल्दी है ना। पुनः हमारी तरफ से खुशबू को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम तो चाहते हैं कि जितना अच्छे इसको टीचर यहाँ मिले इसके लिए भी कोई कहें कि हमें खुशबू पढ़े बहुत अच्छे बनाए हम तो आप उसका एक तरह पितृ ऋण होता है हमारे गुरु ऋण होता है ऋषि ऋण गुरु ऋण है उसे उऋण होने का एक ही तरीका है कि आप भी अपने ज्ञान सारे लोग हैं हम भी किस्मत वाले के साथ हमें टीचर आज लगता है मैं सरकारी भाई जो होता मैं 2002 में सबसे पीएमडी साल पीएमडी पढ़ी दो साल एक साल और करा फिर मेरे पास साल तो वही सर क्या सर जॉब दिला दो आसपास मुझे तो सर तो एक कोचिंग में लोग फीस मांगते हैं यार तो और मेरे पास उनका फीस मांग कौन रहा खर्चा चाहिए मेरे से उसी टाइम पैसे निकाले उनका टेस्ट ही जो सर भी निकाल वो लोग हैं जो बच्चे सब तरह से तैयार होते हैं हर तरह से कोशिश करो आपको यहाँ और आप ये मत सोचा वो नहीं आया क्लास में या वो दो पांच ही आए ना हम आ जाए उसे क्लास बढ़ी आप हर तरह से जान लगा के लगे रहो अभी आप सही टाइम पे आ गए आप तय समय कम है तो सबके लिए कम है पेपर हार्ड है सबके लिए हार्ड है पेपर आसान सबके लिए आसान है इस आप अपना काम करो केवल और लगातार करो बस और कुछ सोचो ठीक है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।